ओके लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं अपने लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस को। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और लास्ट में जो ब्रेकआउट आया है क्या ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा और बैंक निफ्टी यहाँ से क्या मूव कर सकती है वो भी देखेंगे। ऑप्शंस के डेटा किस जगह प्लेस है उसको भी देखेंगे, कहाँ मार्केट ओपन हो सकता है वो सारी चीज़ें अपने लोग देखेंगे और उसके बाद का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा वो भी देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने लोग किससे, बैंक निफ्टी से। अच्छा बैंक निफ्टी का हाल कुछ इस तरीके से, मुझे एक वो शेयर याद आता है कि रात के 3 बजने को है ये कैसा महबूब है, ना घर जाता है और ना गले लगाता है। तो ये बैंक निफ्टी का कुछ ऐसा ही हाल है, जब पूरी मार्केट गिर रही थी बढ़ रही थी तो ये मार्केट को गिराने की कोशिश कर रहा था और बढ़ने नहीं दे रहा था बैंक निफ्टी। आज निफ्टी पूरी कोशिश कर रही कि थोड़ा नीचे गिर जाए थोड़ा नीचे गिर जाए, तो बैंक निफ्टी उसको गिरने नहीं दे रहा है। तो ये हालत है आपकी मार्केट की, बैंक निफ्टी की। कोई बात नहीं, अपन लोग इंडिविजुअल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे अलग अलग तरीके से क्या मार्केट हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले ब्रेकआउट का लेवल कौन सा है, अगर ये लास्ट का ब्रेकआउट लेजिट है। अच्छा लास्ट के ब्रेकआउट्स को मैं थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, क्यों ऐसा कर दूँ, क्योंकि आपका थोड़ा सा चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और कल कोई रिस्क लेके जा रहा है तो वो चीज़ है ना। 51,500 के ऊपर, 51,500 के ऊपर आपका ब्रेकआउट है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इस जगह पे 133 के ऊपर अपने को ये बाय ट्रेड कॉल ऑप्शन भी मिला था और यहाँ पे अपने को ये ब्रेकआउट भी था, ठीक है। ये ब्रेकआउट लेजिट है या नहीं है कल ओपनिंग में बहुत डिसाइड करेगा। अब मैं बताता हूँ कैसे, जो जो चीज़ें हैं जो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको अपने लोग पहले कंसीडर करेंगे किधर मार्केट होती है, फिर ऑप्शंस का डेटा देखेंगे किधर खुलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये अपना पहले तो मार्क किया ये लेवल, ठीक है। अब 3 केसेस होने वाले हैं, या तो मार्केट गैप खुलेगा या मार्केट आपका साइडवेज खुलेगा या मार्केट आपका गैप डाउन खुलेगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है यहाँ पे, ठीक है, तो ध्यान समझना, मार्केट खुल गया गैप डाउन, तो गैप डाउन खुलने के बाद क्या इस जगह पे सपोर्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये केस को ध्यान से समझना। क्यों? क्योंकि अगर ये सपोर्ट बन रहा है फिर चलना शुरू होगा तो मार्केट में फिर बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट आ जाएगा। बैंक निफ्टी का मैंने आपको बताया भी था, वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट है बैंक निफ्टी में, अर्निंग्स वाइज कंफर्ट नहीं है, जो दिक्कत आ रही है ना करंट अकाउंट से भी गाउंड वाले के चक्कर में। तो अगर मार्केट गिरेगी या नहीं गिरेगी, आज मैंने डिस्कस भी किया था कि 51,000 के नीचे, जब तक कल भी शायद को मैंने आपको बताया था कि 51,000 के नीचे की क्लोजिंग पे ही आप ये चीज़ डिसाइड कर सकते हो कि मार्केट आपको गिरना है या नहीं गिरना है। तो 51,000 अगर गैप डाउन केस है तो ये लेवल को नोट करके रखना। सेकंड केस क्या होगा, मार्केट खुल जाए आपका गैप अप। अगर मार्केट गैप अप खुलती है, अभी लास्ट में जो लोग बाय करके गए, प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये बाय करके गए मार्केट खुल गया गैप अप, तो इनको खुलते ही क्या दिख रहा होगा, प्रॉफिट। सेकंड सिनेरियो क्या होता है, जो लोग शॉर्ट करके गए हैं, कॉल शॉर्ट करके गए हैं, वो सारे ट्रैप होके गए हैं, वो ट्रैप होके गए हैं, वो मार्केट खुल गई गैप अप, तो वो भी फंसेंगे। तो स्टार्टिंग के 15-20 मिनट थोड़ा सा वॉलिटिलिटी रहती है, उसके बाद देखना होता है कि मार्केट क्या नेगेटिव एक्शन बना रही है तो सेल करते हैं, और अगर नेगेटिव नहीं बना रही है, यहाँ के आसपास कोई सपोर्ट ले रही है जो कल का क्लोजिंग है, तो वहाँ से फिर बाय करते हैं। गैप अप केस का मैंने आपको डिस्कस किया। व्हाट इफ साइडवेज, साइडवेज खुलेगी तो आपको 750-760 का लेवल है और 640 का लेवल है, इसके नीचे जहाँ भी ट्रेड करेगी उधर की तरफ लोग ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। अभी मैं इसका एक बार ऑप्शन चेंज का डेटा ना अभी हैंड टू हैंड ही देख लेता हूँ, उससे होगा क्या कि आइडिया थोड़ा सा लग जाएगा कि अच्छा मार्केट करना क्या चाह रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, 51,600 में सबसे ज़्यादा पुट्स, यहाँ पे पुट्स वो लास्ट में आई होगी। अच्छा एक कॉल्स भाग गए, एक कॉल डेटा देख रहे भाग के और 52,000 पे आके शिफ्ट हुए हैं 7 लाख के आसपास, ये लास्ट के मूव में ही भागे हैं सारे, ठीक है। और 51,500 पे सबसे ज़्यादा आके बैठ गए हैं और यही एक लेवल आपका मेक और ब्रेक रह जाएगा फॉर बेयर्स के लिए, ठीक है, वो चीज़ ध्यान में रखना। ऊपर पे रेजिस्टेंस कहाँ एक बार देख लेते हैं, पीछे से कहीं से आ रही है क्या, 1 आवर के टाइम फ्रेम लगाते हैं। ये अपना आ गया, यही आ रहा है जहाँ से ये गिरती थी, ये एक स्विंग दिख रहा है, एक स्विंग ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, 51,850 के आसपास का दिख रहा है। तो अगर कल याद रखना ध्यान से, अगर 51,800 खुल जाए रेजिस्टेंस पे खुलते ही बाय नहीं करते, इस चीज़ को ध्यान में रखना, हम लोगों ने देखा हुआ है कई बार, ठीक है। ऊपर सेलर्स कहाँ पे हैं आपका, 6 लाख, ठीक है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। तो मतलब यही चीज़ है जो यहाँ पे सोल्डर्स खड़े हुए हैं, इसी को देखना है बस। रेंज अभी क्या दिख रही है, 51,500 से लेके 52,000 के बीच की एक्सपायरी दिख रही है। बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा बैंक निफ्टी में, मुझे उसमें भी थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो निफ्टी में क्या चल रहा है सीन, अच्छा वीडियो को आप लाइक कर देना जब तक निफ्टी पे आए हो, ठीक है। निफ्टी आपका यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे इसने एक टॉप लगाया फिर नीचे गिरा, कोशिश करता है ऊपर जाने की फिर नीचे जाता है, फिर लास्ट में आपका गिर जाता है। तो निफ्टी के लिए 22,250 और 230 ये मेक और ब्रेक लेवल है निफ्टी के लिए।
तो अगर ये इसके नीचे निकलना शुरू करता है तो फिर आपको एक बार कहाँ की तरफ मिलेगा, 175-200 के लेवल, वेयर एज ऊपर की तरफ अभी कैपिंग लगी हुई 300-325 के आसपास, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और 230 के आसपास आपका ये सपोर्ट एरिया है। तो इसके बीच में अगर कुछ भी फ्रेश ट्रेड लेते तो कोई सेंस भी नहीं बनता है ना, आप यहाँ पर लेने से कोई फायदा नहीं है। नीचे जाएगा ब्रेकडाउन, ऊपर जाएगा ब्रेकआउट, ठीक है। ब्रेकआउट के केस में भी मैं कॉशियस ही रहूँगा, उसका एक रीज़न है क्योंकि 350-400 के आसपास अगर कोई ब्रेकआउट देने के बाद फिर गिर जाता है तो तेज़ी से गिरता है ना। तो निफ्टी में भी कोई बाय ट्रेड नहीं बन रहा है। कल हम लोगों ने निफ्टी की ऑप्शन चेन भी देखी थी, क्या देखा था निफ्टी की ऑप्शन चेन में, कि पुट राइटर्स भागे हैं। अगर पुट राइटर्स भागे हैं तो इसका मतलब क्या है, दिक्कत वाली बात है। क्यों भागे भाई पुट राइटर्स तेजी की मार्केट में, है ना। तो वो चीज़ है, यहाँ 2 लाख कॉल्स खास राइटिंग हुई नहीं है, पुट्स आपकी आ गई 250 पे और 200 पे, ये पुट्स बैठी हैं। तो अभी गिरावट का सिनेरियो है, द आंसर इज 25,220, यही आपका मेक और ब्रेक लेवल का निकल के आ रहा है, 25,200 और 230 का लेवल। इसके नीचे जाएगी तो 25,000 तक के लेवल्स खुले हुए हैं, फिर 25,050 के आसपास पहले कोई सपोर्ट है नहीं खास निफ्टी के अंदर। और बैंक निफ्टी 51,500 नीचे का लेवल को नोट करके रखना है ब्रेकडाउन के लिए, ठीक है। ऊपर का लेवल कौन सा है, 325, उसमें कौन सा है, 51,850, 51,850, ठीक। तो ये अपना कहानी पूरी तैयार है, कोई खास टफ एनालिसिस है नहीं। गैप अप केस होगा तो मैंने आपको डिस्कस कर लिया, गैप डाउन होगा तो भी डिस्कस कर लिया है, और निफ्टी के अंदर आपको लेवल्स का ध्यान में रखना है। तो आई होप को समझ में आया होगा, अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।